अगर उससे लेना है तो प्रेम ले, उसको बोल दे क्या बोलना है, तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता, 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 दिल नहीं लगता वे मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता वे मन नहीं लगता, मन नहीं लगता वे चित नहीं लगता, मन नहीं लगता वे चित नहीं लगता, तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता दिल? एक महात्मा वृंदावन में लंबी लंबी जटाएं गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, गिरिराज की परिक्रमा करते हुए क्या हुआ, लंबी लंबी जटाएं महात्मा जी की ब्रज लताओं में उलझ गई, लताओं में उलझी तो महात्मा जी वहीं खड़े हुए हैं, महात्मा जी वहीं खड़े हुए हैं, लोग देख रहे हैं, अरे जटाएं उलझी हैं। किसी आप जैसे ने पूछा महात्मा जी खोल दो, महात्मा जी बोले कि तूने उलझाई है, कहते भी मैंने तो नहीं उलझाई, जिसने उलझाई वही खोलेगा। अब वृंदावन में किसने उलझाई है भाई, फिर और आया कोई, महात्मा जी खोल दो तूने उलझाई है, जिसने उलझाई है वही खोलेगा। अब महात्मा जो प्रेम करते हैं प्रभु से और जो मेरे कन्हैया से प्रेम करता है वो उससे प्रेम करता है, शाम से रात रात्रि से सुबह हो गई, महात्मा वहीं खड़े हुए हैं, जो आए सबको बोल दे तूने नहीं उलझाई ना तू जा। अब क्या था, ये मेरे कन्हैया ने उलझाई है वो खुद ही आके खोलेगा और नहीं खोलने वाला। सुबह हुई भगवान आ गए, बोलो श्री राधे, श्री राधे। कन्हैया आए के बाबा ला मैं खोल दूं, तूने उलझाई है, हाँ बाबा मैंने उलझाई है, अरे ये तो कृष्ण ने उलझाई है, ये बाबा मैं कृष्ण हूं, सबूत हो, क्या सबूत है कि तुम कृष्ण हो, बाबा मैं कृष्ण हूं, सबूत हो पहले कि तुम कृष्ण हो, ये बाबा क्या सबूत दूं, अगर राधा रानी आके बोल दे कि तू कृष्ण है तो मैं मान जाऊंगा कि तू कृष्ण है। श्री राधे। तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता। बुलाया गया किशोरी जी, लाडो रानी आ गई, बोले बाबा यही कृष्ण है, तो बाबा बोले मुझे पता है, मुझे पता है कि यही कृष्ण है, अरे बाबा अगर तुझे पता है तो पहले क्यों नहीं बोला कि मुझे पता है, मेरी लाडो किशोरी जी अगर पहले बता देता तो आपके दर्शन कैसे होते। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता वे मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता वे मन नहीं लगता, मन नहीं लगता वे चित नहीं लगता, मन नहीं लगता वे चित नहीं लगता, तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता। जब उससे प्रेम होगा दिल नहीं लगेगा। एक लड़की इसकी सगाई हो गई, कहां पे हो गई, वृंदावन में, वृंदावन में सगाई हुई, पता चला कि जिसके साथ सगाई हुई है वो अकेला ही लड़का है, उसका कोई भाई नहीं है। मन ही मन सोच रही थी अगर मेरा कोई देवर होता, देवर तो दोस्त और बच्चे दोनों जैसा होता है,
अगर मेरा देवर होता तो मुझे भी कोई काम पड़ जाता, कर देता, लेकिन देवर नहीं है। गुरु जी से पूछा, गुरु जी मेरा कोई देवर नहीं है और मेरी सगाई हुई है वृंदावन। तो गुरु जी बोले, भाई वृंदावन में है वो घुंघराले वालों वाला मोर मुकुटधारी, टेढ़ा है, टेढ़े काम है, टेढ़ा नाम है, टेढ़ा धाम है, उसको अपना देवर बना ले, सगाए ना आए वो दौड़ा चलाएगा। जय हो। उसके घुंघराले बाल होंगे, मोर मुकुटधारी होगा। मन में सोच लिया कि मैं उसको देवर बना लूंगी। क्या नाम है गुरुजी उसका? उसके बड़े नाम है, अनगिनत नाम है। रसिक उसको श्री कृष्ण कहते हैं। शादी हो गई, अब जमुना जी से नौका पे दुल्हन को लेकर लड़का, नई वधु को लेकर लड़का वृंदावन में आ रहा है। जैसे ही नौका किस पार आया, बोला कि आज हमको सबसे पहले बिहारी जी के दर्शन करने जाना है। यहां पर बैठ, मैं लघु शंका होकर आया। अब ब्रजनारी तो आपको पता है कैसी है, बड़ा सा घूंघट, इतना बड़ा, एक पेड़ के पास बैठी है अकेली। लड़का आया, भाभी घूंघट उठाओ, भाभी घूंघट उठाओ। अरे ये कौन है, मेरा भाई तो अकेला है, कौन सी भाभी? अरे भाभी मैं तेरा देवर हूं, घूंघट उठा। लेकिन ब्रिज में ऐसे घूंघट औरतें नहीं उठाती। फिर मन ही मन सोचा, अरे बच्चा तो है छोटा सा, एक बार उठा के देख लेती हूँ घूंघट। घूंघट उठाया, सामने मेरा मोर मुकुटधारी खड़ा है। एक बार निहारा, देखते ही अंतर ध्यान हो गए। उधर पति भी आ गया, अरे भाई चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, मंदिर के पट ना बंद हो जाए कहीं, चलो जल्दी साथ में। घूंघट ओढ़े जैसे बिहारी जी के मंदिर में पहुंची, क्या हुआ? राजभोग का समय था, पर्दा लगा हुआ था, इसने अभी भी घूंघट निकाला हुआ है, पर्दा लगा हुआ है, राजभोग चल रहा है। जैसे ही भोग के बाद जय घोष के साथ बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय हो, जय घोष के साथ एकदम पर्दा हटा, मेरे बिहारी जी की नूरानी मूरत, अद्भुत श्रृंगार। पति ने दर्शन किए, अरे देख मेरे बिहारी जी कितने सुंदर लग रहे हैं, घूंघट उठा, देख देख कितने खूबसूरत लग रहे हैं बिहारी जी। जैसे ही पत्नी ने घूंघट उठाया, एक बार बिहारी जी की मूर्त जैसे ही निहारी, बेहोश हो गिर गई। उसी समय बेहोश हुई, गिर गई वहां पर। अरे ये क्या हो गया, जैसे तैसे उसको होश में लेकर आया, घर में लेके गया। घर जाकर बोला, अरे ना तो मंदिर में इतनी भीड़ थी कि तू बेहोश हो गई, ना ही तू भूखी थी, तू बेहोश क्यों हो गई? पत्नी बोली, क्या बताऊं, क्या बताऊं, मुझे जमुना पे मिलने आया था, कहता था मैं तेरा देवर हूं। अरे कौन मिलने आया था मुझे जमुना पे, एक बार बता कौन आया था यमुना पे? और कोई नहीं आया था, यमुना पे वही आया था जिसका दर्शन कराने के लिए तू मुझे मंदिर में लेके आया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जिसका दर्शन करवाने के लिए तू मुझे मंदिर में लेके आया है, वो वही बिहारी मुझे भाभी बोल यमुना के पास से दौड़ा है। अरे तू इतनी भाग्यशाली, ऐसा मेरा बिहारी जो एक बार जिसका भी रिश्ता खाली हो, बेटा ना हो, बेटी ना हो, भाई ना हो, उसको बना लो, दौड़ा चला आएगा। ऐसी सूरत उसकी क्या,
तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता दिल उसके बिना? लोग कहते हैं देखो चांद पे क्या खूबसूरती छाई है, लोग कहते हैं देखो चांद पे क्या खूबसूरती छाई है, पर ये दुनिया वाले क्या जाने, ये चांद तो मेरे मोहन की परछाई है। जय हो। ये चंदा तो मेरे श्याम की परछाई है। तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता वे मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता वे मन नहीं लगता, मन नहीं लगता वे चित नहीं लगता, मन नहीं लगता वे चित नहीं लगता, तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल 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 नहीं लगता। महात्मा जी एक महात्मा जी शाम के समय बिहारी जी के मंदिर में गए, सभी महात्मा बिहारी जी को पोशाक पेश कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक पोशाक, एक किसने पेश की, एक किसने पेश की। अब महात्मा के मन में आया कि मेरे पास तो पोशाक ही नहीं है कोई, मैं कहां से पेश करूं। मन में आया क्या भाई, एक अच्छी सी पोशाक मैं अपने हाथ से बनाऊंगा महात्मा बिहारी जी के लिए। वापिस चले गए आश्रम में, लगातार 20 दिन लगे रहे पोशाक बनाते रहे। सुबह दिन शाम पोशाक को ऐसे बनाया, अगर पोशाक में कमी रह गई तो समझो मेरे प्रेम में कमी रह गई। बोलो श्री राधे, श्री राधे। लगे हुए हैं पोशाक बनाने में, अब 25 दिन हो गए, पोशाक बनकर तैयार हो गई। अब जाना है, कहां पे जाना है? बिहारी जी के मंदिर। हाथ में पोशाक लिए ब्रज गलियों में घूम रहे हैं, कभी इधर कभी उधर बिहारी जी के मंदिर तक जा रहे हैं। रास्ते में एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, ये महात्मा जी ये पोशाक मुझे दे दो। अरे भाई ये बिहारी जी के, नहीं महात्मा जी मुझे दो। अरे नहीं भाई ये तुझे और ला देता हूँ, नहीं महात्मा जी मुझे ये दो। अरे भाई ये मैंने कन्हैया के लिए बनाई है, नहीं महात्मा जी मुझे यही दो। चिड़ियों के पास पहुंच गए, अब बच्चे ने ना इधर देखा ना उधर देखा, हाथ में से पोशाक झपटी और भाग गए। बोलो श्री राधे, श्री राधे। महात्मा जी मन ही मन दुखी हो रहे हैं, अरे कितने मन से बनाई थी, दिन रात बस एक ही मन था कि कन्हैया को हाथ से पोशाक बनाऊंगा। आंखों में अश्रु है, और महात्मा आए, अरे बाबा क्यों रो रहे हो? अरे बच्चा बिहारी जी की पोशाक छीन कर ले गया। अरे बाबा प्रभु की शायद यही मर्जी होगी, चलो मन में अफसोस मत करो, चलो बिहारी जी के दर्शन करो। महात्मा ने उठाया, साथ में ले गए बिहारी जी के मंदिर। फिर पर्दा लगा हुआ है, जैसे ही गोस्वामी ने पर्दा खोला तो क्या देखा, जो पोशाक उस महात्मा जी ने बनाई थी बच्चा छीन कर लेके गया था, वही पोशाक पहने मेरे बिहारी जी खड़े हैं। श्री राधे। आंखों में अश्रु चल पड़े, अरे कन्हैया आप ही नहीं लेके आया था, कुछ पल का सबर नहीं हुआ, आप ही के पास तो आनी थी। कन्हैया मन ही मन कन्हैया से बातें कर रहे हैं, ठाकुर जी क्या बोले, अरे तूने इसमें प्रेम ही इतना डाल दिया था कि कुछ पल भी सबर करना मुश्किल हो गया था, जिसमें प्रेम डाल दिया जाए यहां से वहां पाते चार पल लगेंगे, अरे एक पल भी इंतजार नहीं किया गया। ऐसे है मेरे बिहारी कि तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं।
वे मन नहीं लगता, मन नहीं लगता वे चित नहीं लगता, मन नहीं लगता वे चित नहीं लगता, तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल 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 नहीं लगता।